जग्गी बंगर जिला पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव में वरिष्ठ समाज सेवी कमलेश चंदोला ने पूर्व प्रधान और विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट के भाई इंदर बिष्ट को 1415 मतों से पराजित किया। बता दें कि हल्द्वानी ब्लॉक में हुई मतगणना में कमलेश चंदोला ने 6399 मत प्राप्त किए, जबकि इंदर सिंह बिष्ट को 4984 मत मिले। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मोहित गोस्वामी को 302 मतों पर संतोष करना पड़ा, वहीं 216 मत निरस्त हुए। इसके पहले राउंड में 23 मतों से आगे होने के बाद दूसरे राउंड में इंदर सिंह बिष्ट 800 मतों से पीछे हो गए और इसके बाद वे कमलेश चंदोला की बराबरी नहीं कर पाए। आखिर में वे 1415 मतों से वे पराजित हो गए। जीत के बाद कमलेश चंदोला ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, ये जनता की जीत है और ये मेरे अपने कार्यकर्ताओं की जीत है। समय बहुत कम मिला था, सभी कार्यकर्ता पूरे मन से जुटे थे और उन्होंने घर घर जाके प्रचार करा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि समय कम था और जो हमारा कप प्लेट चुनाव निशान था उसे घर घर पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर उस चुनाव चिन्ह पहुँचाया और जनता ने अपना समर्थन दिया।